फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूली के पत्ते की बेसन वाली सब्जी। ये बहुत टेस्टी बनती है। कई बार हम मूली के पत्ते यूज़ नहीं करते हैं, पर मैं आपसे एक रेसिपी इसकी शेयर करूँगी, जो आप बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगी। और इसमें हम जो बेसन यूज़ करेंगे, उसको एकदम कच्चा बेसन नहीं यूज़ करना है। थोड़ा कढ़ाई में उसको हल्का सा भून लेंगे, फिर हम उस बेसन को यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूली के पत्ते की सब्जी बनाना। सबसे पहले हम मूली के पत्तों को बारीक बारीक काट लेंगे, एकदम बारीक बारीक काट लीजिए इसको। तो ये हमने मूली के पत्ते काट लिए हैं, और इसके साथ में जो मूली आती है उसको भी बारीक बारीक काटना है। खाली मूली के पत्ते की सब्जी नहीं बनाना है, उसमें कुछ मूली भी काट कर डालना है, तो फिर सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो उसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और मूली के पत्तों में बहुत मिट्टी आती है, तो आप इसको 4-5 पानी से धोइए। तो ये सब्जी अभी हमने काट ली है। इसके लिए हमने लिया है बेसन, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और हींग। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, तो अब हम इसमें तेल डालेंगे। साढ़े 3 चम्मच तेल लिया है, बड़ी चम्मच। एक्चुअली 4-5 मूली की पत्तियां हैं, उस हिसाब से मैं इसमें मसाले डालूंगी। अब थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, थोड़ी सी हींग। हींग और जीरे का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालिए। और मूली की पत्ती, और जो लोग बेसन की सब्जी नहीं ज़्यादा पसंद करते हैं, बेसन वाली कोई भी सब्जी नहीं पसंद करते हैं, वो इसको सिंपल भी बना सकते हैं। तो हम थोड़ी सी इसको सिंपल सब्जी भी निकाल लेंगे, बाद में हम इसको बेसन वाली सब्जी बना लेंगे। तो अब हम ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। ये मैंने छोटी चम्मच से सब माप से लिया है, पर मूली की पत्ती का कोई ना मतलब माप नहीं है कितनी क्वांटिटी में थी, 4-5 मूली की पत्तियां हैं ये। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसको ढक्कन लगा के ढक देंगे। अब हम ढक्कन थोड़ी देर बाद खोलेंगे। पानी ऑलरेडी नमक के कारण मूली का पत्ती पानी छोड़ देती है, तो इसमें पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिम गैस पे पकाना है। गैस का फ्लेम एकदम स्लो करके रखिए। तो ये सिंपल वाली सब्जी बन चुकी है, तो आधी हम सिंपल सब्जी निकाल लेते हैं। अब हम इसमें सब्जी में ऐड करेंगे बेसन। ये रोस्टेड बेसन है, मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था हल्का गुलाबी होने तक। कच्चा बेसन ना यूज़ करें। मतलब इतनी सी सब्जी में मैंने 1.5-2 चम्मच बेसन डाला है, और इसको एकदम स्लो फ्लेम पर ढक ढक के पकाना है, और हर एक एक दो दो मिनट में देखना है, नहीं तो बेसन हमारा जल जाएगा। बहुत फास्ट कुकिंग होती है इसकी। दो तीन बार ढक्कन से ढककर अच्छे से देखना है कि उसको पका के नहीं, बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए।
अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दो तरह की सब्जियां हैं, सिंपल भी है और बेसन वाली भी है। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।